मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गुजरात एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर कहा कि गुजरात में बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के रुझान आपने एग्जिट पोल में देख लिए होंगे। इस मौके पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह ऐसा काम करते ही क्यों है कि न्यायालय को बीच में आना पड़े और मानहानि की नौबत आ जाए। गुजरात विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों से भाजपा उत्साहित है। भाजपा गुजरात में रिकॉर्ड 7वीं बार सरकार बनाती दिख रही है। एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमें यकीन है कि इन नतीजों ने जो दिखाया है, मतगणना के बाद इससे भी अच्छे नतीजे आएंगे। कांग्रेस का एग्जिट तय है। मोदी जी के राष्ट्र को उन्नति पर ले जाने के कार्यों पर जनता ने मुहर लगाई है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के रुझान आपने एग्जिट पोल में देख लिए होंगे। सच तो यह है कि जहां जहां पर पड़े संतन के तहां तहां बंटाधार। मैं गुजरात से लौट के आया था, तब भी मैंने कहा था कि 2/3 बहुमत से ज्यादा आएगा। एग्जिट पोल ने जो दिखाया, इससे भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कांग्रेस का एग्जिट तय है और हाशिए पर कांग्रेस बहुत जल्दी पहुंचने वाली है। आप 2 दिन का और इंतजार कीजिए। मोदी जी की जो वैश्विक स्वीकार्यता है, माननीय मोदी जी जो राष्ट्र की आत्माभिमान को जिस तरह से शिखर पर ले जा रहे हैं, लोगों ने उस पर मोहर लगाई है। ये मोदी जी की स्वीकार्यता की मोहर है। सफलता की उनकी यात्रा के रुझान तो आना प्रारंभ है। कल एग्जिट पोल देखा होगा आपने, ये उनकी यात्रा के रुझान है। गुजरात से भी ज्यादा खराब हालत जिन जिन प्रदेशों से यात्रा निकली है ना, जहां जहां पांव पड़े संतन के तांता बंटाधार है। आप देख लेना इसका परिणाम जो सामने आएगा, आप सब भी उसके साक्षी होंगे। और मैंने प्रारंभ में भी कहा था, इंदौर के लॉ कॉलेज मामले को लेकर मिश्रा ने कहा, लेखक और पब्लिशर की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं। लेखिका डॉक्टर फरहत खान की पीएचडी की डिग्री वापस लेने के लिए भी पत्र लिखा गया है। गृहमंत्री ने कहा उनकी जल्द गिरफ्तारी होगी। उनकी गिरफ्तारियों के लिए, लेखक और प्रसाद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें बना दी गई हैं और जल्दी गिरफ्तारी होगी। जहां तक लेखक का सवाल है, डॉक्टर फरहत खान, इनकी भी पीएचडी वापस हो, इसके लिए जो संबंधित विभाग है हम उसको लिखेंगे। वहीं दिग्विजय सिंह पर हुए मानहानि केस को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, दिग्विजय सिंह ऐसा बोलते ही क्यों हैं कि न्यायालय को बीच में आना पड़े और मानहानि की नौबत आ जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के जैक एंड जिल राहुल बाबा को हिल से गिराकर ही मानेंगे। ये अपनी जुबान से भारत विरोधी बयान देने में एक तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे जिनने इनकी यात्रा निकलवा दी, और एक कमलनाथ जी हैं जो बाबा को साथ साथ की कह रहे। इससे आप दोनों के भाव को समझ लें। शास्त्रार्थ कराने की बात तो वैसी हो गई जैसे किसी छठवें क्लास के बच्चे को आप 39 का पहाड़ा बोलने का कह दो। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।